और आज के वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डे इन माइनक्राफ्ट जंगल ओनली वर्ल्ड। और बाय द वे देखो, जंगल ओनली वर्ल्ड नॉर्मल वर्ल्ड से भी काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि देखो इसमें कोई भी विलेज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी विलेजर भी नहीं होगा, उनको विलेजर खुद बनाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे दिन में भी मॉब स्पॉन होते हैं, इसलिए दिन में भी बाहर घूमना काफी खतरनाक होता है इसमें। और देखो इस वर्ल्ड में मेरा नसीब इतना खराब था ना, हमारा सीड भी काफी खतरनाक मिला था, पूरा आईलैंड पे हमको स्पॉन कर दिया था। ओके चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके फाइनल हम यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं, और भाई देखो मुझे खतरनाक जगह पे स्पॉन किया है। और आप यहाँ पे मेरी कैप देख सकते हो, कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। और मैंने इसके बोला फ्री में मिल रही थी, वो मैंने ले ली यहाँ पे। और अभी सबसे पहले इसी ट्री को टॉप करके अभी नीचे चलते हैं। ओके देखो ये ट्री काफी बड़ा था, हाथ से तो अभी तोड़ने जाऊंगा तो 100 डे यहीं पे खत्म हो जाएगी, अभी इसलिए यहीं से नीचे चलते हैं अभी। ओके देखो हमको यहाँ पे ओशन के बाजू में स्पॉन मिला था, क्या मॉब फॉर्म बनाने में हमको आसानी होगी, ज्यादा मॉब स्पॉन होंगे। और अभी देख सकते हो हमको यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा खाना मिल चुका है, अच्छा तो नहीं कहूंगा लेकिन अभी के लिए ठीक है खाना। अभी यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, अभी हमको इसी से काम चलाना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ से सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाया, और उसके बाद एक वुड की पिकेक्स बनाई, और उसके बाद मैंने यहाँ से स्टोन माइन किया काफी ज्यादा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टोन के वेपन्स बनाया। और अभी देखो पिकेक्स यहाँ पे मैंने 3 बना दी, क्योंकि अभी आगे हमको काम ही आएगी माइनिंग में, इसीलिए अभी पहले से मैंने बना दी यहाँ पे। और उसके बाद और भी मेलन यहाँ से मैंने कलेक्ट कर लिए थे। और उसके बाद थोड़े आगे हमको एक तोता मिल चुका था यहाँ पे ब्लू कलर का, जो मेरा फेवरेट कलर नहीं है। उसके बाद देखो मैंने एसिड खिलाने का ट्राई किया लेकिन उसे नहीं खाया, तो रहने दो फिर। उसके बाद उसके लिए मैंने यहाँ से काफी ज्यादा वीट के सीट कलेक्ट किया, उसके बाद उसको मैंने टेम करने की ट्राई की और यहाँ से भाग गए साला हरामी, मेरे 3 सीट खा गए, फिर भी मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और यहाँ पे फाइनली उसको मैंने टेम कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारे वर्ल्ड का ये पहला पेट टेम हो चुका था, और बाय द वे देखो मैंने एक ही पेट टेम किया था, उसके बाद कोई भी टेम नहीं किया था। यहाँ पे देखो हमको एक और तोता मिल चुका था, लेकिन वो काफी हरामी तोता था, भागे देखना। उसके लिए हमने स्पेशल काफी ज्यादा सीट भी कलेक्ट किया, लेकिन देखो मैं हरामी सारे सीट खा गया लेकिन फिर भी टेम नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफी मजे से खा रहा है मेरा सारे सीट, फिर भी टेम नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने उसको लात मार के भगा दिया, नहीं चाहिए ऐसा तोता, उखड़ कर कहीं का। उसके बाद देखो ये वाले तोते को लेके मैं चला गया जंगल टेम्पल में, जो पास में ही था। और नीचे जाते ही आप देख सकते हो यहाँ पे काफी घटिया सा ट्रैप था, और टेस्ट भी काफी घटिया सी, उसमें कुछ टूटने लायक नहीं था। देखो इस घटिया से ट्रैप ने भी मुझे एक एरो मार दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पजल जैसा होता है, और पजल को और मेरा रिश्ता नहीं है इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया यहाँ पे। और इस चेस्ट में भी काफी घटिया सा सामान था। और उसके बाद देखो ये रेस्टोरेंट का सामान मैंने चोरी कर लिया, कुछ तो फायदा हो यहाँ पे आने का। उसके बाद देखो पूरी रात मैंने जंगल टेम्पल के अंदर बिताई, और उसके बाद देखो काफी ब्यूटीफुल मॉर्निंग हो गई यहाँ पे। उसके बाद देखो दूसरे दिन की मॉर्निंग में तोते को मैंने यहाँ पे अंदर बिठा दिया, क्योंकि देखो बाहर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए सबसे पहले इसको अंदर ही रखते हैं जब तक मेरा बेस नहीं बन जाता तब तक। उन्हें एक एरो लग जाएगा ना स्केलेटन का, ये तो एक एरो में मर जाएगा, ये साला इतना कमजोर होता है ये। उसके बाद देखो फ्री कैंप सबने पूरे वर्ल्ड को देखा, और तभी मुझे पता चला मैं आइलैंड पे स्पॉन हुए है। फिर मुझे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए पता नहीं, अभी आगे ही पता चलेगा। और यहाँ पे देखो हमको एक रूइन पोर्टल भी दिख चुका था, उसको भी बाद में लूटने जाएंगे। सबसे पहले मुझे एक बेस बनाना है, क्योंकि देखो नीचे तो काफी खतरनाक ज़ॉम्बी और सारी चीजें हैं। तो देखो इस जगह पे मैंने यहाँ पे अपना बेस बना दिया। ओके देखो अभी इतना बेस मैंने बना दिया, अभी के लिए इतना काफी है। उसके बाद हमको बनाना था बेड, इसलिए सबसे पहले चलते हैं नीचे। और देखो यहाँ पे ये काट पे मैं सिर्फ बचा हुआ हूँ। अभी देखो एक और आट कम होता ना, अभी ये क्या बोलते हैं 100 डे यहीं पे खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक शिप ढूंढनी पड़ेगी, जो मैंने पहले देखी थी, ब्लैक कलर की थी वो, जो आई होप कि अभी हो वो तो ना हुई हो। और देखो यहाँ पे 1.120 का कुछ ये है, वो बाद में हम देखेंगे क्या है ये सारी चीज़ें। तो कभी हमको यहाँ पे एक शिप मिल चुकी है ब्लैक कलर की, जो मैंने पहले देखी थी वही थी। इसको मैं मारूंगा नहीं, उसको शेयर से हम कलेक्ट करेंगे वुल। उसके लिए हमको चाहिए सबसे पहले आयरन, और वो क्या बोलते हम पोर्टल पर चेक करके आते हैं, वहीं पे आयरन हो तो काफी अच्छी बात है। ओके देखो यहाँ पे आयरन है काफी ज्यादा। उसके बाद देखो यहाँ पे रात हो चुकी थी, और पूरी रात मैंने इसी आइलैंड पे बिताई। उसके बाद सुबह होते सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेडर लगाई और अपने बेस पे गया मैं, और यहाँ से मैंने वूल काफी ज्यादा कलेक्ट किया शिप का। और देखो ये वूल कलेक्ट करने में पूरे एक दिन पूरा निकल गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेड बनाया और एक आयरन की सोर्ड बनाई, और उसके बाद फाइनली मैं सो गया। उसके बाद सुबह होते ही मैंने डबल चेस्ट यहाँ पे बनाई और अपना सारा एक्स्ट्रा सामान उसमें डाल दिया। उसके बाद अपने बेस को भी थोड़ा एक्सपेंड कर दिया मैंने यहाँ पे, और अभी हमारा बेस कुछ इस तरह से दिख रहा है।
और अभी नेक्स्ट हमको चाहिए डायमंड का आर्मर। अभी देखो आयरन का आर्मर तो मैं नहीं कलेक्ट करूंगा, अभी डायरेक्ट अभी हम डायमंड का आर्मर ही कलेक्ट करेंगे। उसके लिए अभी सबसे पहले चलते हैं माइन पे। ओके यहाँ पे देखो हमको आयरन मिल चुका था और सबसे पहले आयरन को स्मेल्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने रख दिया और उसके बाद हमको यहाँ पे हमारा पहला डायमंड मिल चुका था। अभी डायमंड को कलेक्ट करते हैं, अभी आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। ओके फाइनल हम बेस पे आ चुके हैं। अभी सबसे पहले हमको जितना आयरन मिले उसको स्मेल्ट करने के लिए यहाँ पे रख देते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना पूरा डायमंड का आर्मर बनाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने डायमंड के वेपन्स भी बना दिए काफी ज्यादा। और देखो उसमें पिकेक्स मैंने दो बनाई और अभी फाइनली हमारे पास पूरा डायमंड का आर्मर आ चुका है। ओके अभी देखो आयरन की पिकेक्स भी मैंने बनाई दी। अभी देखो अभी डायमंड की पिकेक्स ज्यादा यूज नहीं कर सकता क्योंकि डायमंड कम है अभी हमारे पास। अभी नेक्स्ट अभी हमको बनाना एक मॉब फार्म जिससे हमको एक्सपी भी मिलेगी और कैरेट और पोटेटो भी मिलेंगे और हमको फ्यूचर में एक ज़ॉम्बी विलेजर भी चाहिए, वो भी हम उससे कलेक्ट करेंगे। ओके अभी मैं मॉब फार्म बना तो अभी आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। ओके फाइनली हमारा मॉब फार्म यहाँ पे रेडी हो चुका है और देखो काफी अच्छी तरह से काम भी कर रहा है क्योंकि देखो अभी क्या वो ओशन के ऊपर बना है इसलिए काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है और हमारा बेस देखो यहाँ पे है। ओके अभी यहाँ से डायरेक्ट मारते हैं जंप और भाई तो देखो यहाँ पे मैंने लेडर भी लगा दी है काफी ज्यादा। अभी चलते सबसे पहले बेस पे। ओके बेस पे आते मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे मैं सो गया। और अभी देखो हमारे बेस को भी थोड़ा एक्सपेंड करना है उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेयर बनाई क्योंकि देखो अभी हमको फार्म भी बनाना पड़ेगा, पोटेटो फार्म, वो सारी चीजें जानवर को भी रखने के लिए, वो मैं थोड़ी हाइट पे बनाने वाला हूँ सभी चीजें। ओके अभी आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी मैं कैसे बनाने वाला हूँ सारे फार्म। अभी हमारा फाइनल यहाँ पे सारी चीजें रेडी हो चुकी है और देखो अभी सभी में हमको डॉट फिल करनी है क्योंकि देखो इसमें से दो साइड हम क्या बोलते हैं हमारा सारा फार्म और सारी चीजें बनाने वाले, पोटेटो फार्म और सारी चीजें, और दूसरी दो साइड हम हमारे जानवर को रखने वाले हैं और डॉट देखो मैं इस जगह से कलेक्ट करने वाला हूँ। और अभी देखो यहाँ पे मेरा गेम काफी लैग कर रहा है पता नहीं क्यों अभी। और उसके बाद देखो यहाँ से मैंने काफी ज्यादा डॉट को कलेक्ट किया। ओके फाइनली हमको जितनी डॉट चाहिए थी वो सारी यहाँ पे कलेक्ट हो चुकी है, अभी सभी को ट्रांसफर करते हैं अपने बेस पे। ओके अभी सारी डॉट को बेस पे लेके आ चुका, अभी सभी डॉट को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। अभी आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। ओके यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारी डॉट यहाँ पे प्लेस कर दी है और यहाँ पे देखो फार्म भी मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। और आपको बता दो ओके रेट में हमने मो फार्म से कलेक्ट किए थे और देखो पूरी रिकॉर्डिंग मैंने की थी, वो पूरा टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया था, वो मैंने ओबीएस से किया था और क्या बोलते उससे नहीं किया था रिप्ले मोड से। और भी पता नहीं अभी देखो मैं एडिट करने बैठा और क्या बोलते क्लिप ही मुझे नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ गई, पता नहीं शायद से रिकॉर्ड हुआ होगा कि नहीं होगा, क्रैश हो गया पता नहीं अभी क्या हुआ। और उसमें मुझे देखो कैरेट और पोटेटो मिल चुके थे इसलिए देखो 22 डे से डायरेक्ट 29 डे हो चुके हैं यहाँ पे। और देखो इस जगह पे काव और पिग दोनों को रखने वाला हूँ और यहाँ पे पेशल हमको सीप रखनी है। उसके लिए देखो पहले जो हमको ब्लैक सीप मिलते हैं उसको मैंने संभाल के नीचे कैच करके रखी थी, उसको सबसे पहले ऊपर लेके आते हैं। और बाय द देखो यहाँ पे मैंने स्टेयर्स भी लगा दिए ऊपर आने जाने के लिए। और देखो ये रही साली हरामी सीप, इसको देखो वीट दिख रहा था फिर भी ऊपर नहीं आ रही थी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फेंस गेट बनाया, उसके बाद उसको मैं अपने नए घर पे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो ग्रास नहीं है, फिर ग्रास के लिए भी मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके अभी सबसे पहले यहाँ पे टॉर्च लगा देंगे वरना यहाँ तो मॉब की बारिश हो जाएगी। उसके बाद देखो मैं डॉट कलेक्ट करने गया था वहीं पे मुझे दो पिक दिखे थे, उसके बाद उसी को मैं लेने चला गया यहाँ पे। उसके बाद काफी मुश्किल से मैं इसको यहाँ पे लेकर आ चुका था और यहाँ पे फेंस गेट बना के दोनों को अपने नए घर में यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे भी मुझे ग्रास का कुछ करना पड़ेगा अभी। और उसके बाद इसको ब्रीडिंग नहीं करवाई क्योंकि अभी मेरे पास एक ही पोटेटो था। ओके देखो यहाँ पे ग्रास लाने के लिए अभी ऐसा कुछ जुगाड़ मैंने किया है यहाँ पे, आई होप ये वर्क कर जाए अभी। ओके अभी हमको सबसे पहले साइड बनाना एक विलेजर ट्रेडिंग और क्योंकि देखो हमारे पास में एक मॉब फार्म है इसलिए हम विलेजर को ट्रांसफर करने में काफी आसानी होगी। फिर उसके लिए सबसे पहले नीचे का बेस बनाते हैं। ओके अभी आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए।
ओके फाइनल यहाँ पे बेस रेडी हो चुका है नीचे का, वो मैंने वुड का पूरा बनाया है बेस। और विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाने में ये सारा मटेरियल लगेगा, सबसे पहले उसको कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। ओके फाइनल सारा मटेरियल यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिया है। और देखो ये सारा डिस्प्ले का सामान बनाने के लिए हमको वापस माइन में जाना पड़ा था डिस्प्ले कलेक्ट करने के लिए। और बाय द वे देखो जब मैं मटेरियल कलेक्ट कर रहा था तब ये मुझे एक शिप नीचे दिखी थी, उसको भी मैं ऊपर लेके आ गया था। और आप विलेजर ट्रेडिंग हॉल देख सकते हो कैसा है ये, इस तरह से कुछ दिखने वाला है हमारा विलेजर ट्रेडिंग हॉल। ओके अभी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, अभी आप टाइमलेस को एंजॉय कीजिए। ओके फाइनली हमारा विलेजर ट्रेडिंग हॉल रेडी हो चुका है, आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। देखो अंदर से कुछ इस तरह से दिख रहा है, और देखो नीचे हमको एक एंडरमैन दिखा था उसको मैंने मारा था, उस देखो ग्रास ब्लॉक भी दिया और एक एंडर फोर्ट भी दी, उसके बाद देखो एक ग्रास ब्लॉक को यहाँ पे लगा देते हैं। ओके अभी नेक्स्ट अभी हमको एक बनाना एक पोर्टल, क्योंकि देखो ज़ॉम्बी विलेजर को हमको विलेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमको पोशन चाहिए और पोशन के लिए हमको ब्रूइंग स्टैंड और सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी और वो नेदर में मिलेगी। और देखो हमको नेदर पोर्टल इस जगह पे बनाने और यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा बेस बना दिया यहाँ पे। ओके देखो नेदर पोर्टल बनाने में हमको ये सारा मटेरियल लगेगा और नेदर पोर्टल कुछ इस तरह से दिखने वाला है हमारा। ओके अभी इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम लेस को एंजॉय कीजिए। ओके फाइनली अभी हमारे यहाँ पे नेदर पोर्टल रेडी हो चुका है। और बाय द वे आप देख सकते हो मैंने अपने पूरे पोटैटो फार्म को भी कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। ओके देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको लाइट अप करने की ट्राई की ले हुआ नहीं यहाँ पे, उसके बाद मेरे यहाँ पे ध्यान गया और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाना भूल गया हूँ, उसके बाद जल्दी से मैं यहाँ उसको लगाया और यहाँ पे लाइट अप किया पोर्टल को। ओके देखो अभी मस्त दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ से देखो काफी ज्यादा ब्लॉक मैंने लिया, उसके बाद मैं चला गया नेदर पोर्टल में और यहाँ से देख सकते हो काफी खतरनाक स्पॉन मिला था हमको। और देखो ये तो हरा में हर जगह आते ही है यहाँ पे मेरा स्वागत करने के लिए, उसके बाद मैंने फ्री गेम्स आस पास देखा क्या है मेरे आस पास, उसके बाद पता चला हम केवल केव में स्पॉन हुए है। और यहाँ पे देखो एक और एक बायो में जहाँ पे एंडरमैन आता है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ अभी, पता नहीं अभी क्या है, तभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तभी नाम मैं भूल गया था, क्रिम्सियन बायो में ऐसा कुछ है पता नहीं अभी। ओके अभी सबसे पहले नेदर पोर्टल को फाइंड करता हूँ, अभी उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। ओके फाइनली नेदर पोर्टल के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से सबसे पहले मैंने ये सारी चीजें ली, सोल सेंड और सारी चीजें, और यहाँ पे देखो ब्लेस भी मिल चुकी थी और उसने ब्लेज रोड नहीं दी यहाँ पे, उसके बाद देखो मैं ब्लेज के स्पॉनर के पास ही चला गया और यहाँ से काफी ज्यादा ब्लेज रोड कलेक्ट की मैंने यहाँ पे। ओके देखो यहाँ पे ये हरामी आ गया था, इसको भी मैंने खत्म किया यहाँ पे, और हमको देखो यहाँ पे 15 जीती ब्लेज रोड मिल चुकी है। और अभी चलते हैं बेस पे सबसे पहले। ओके यहाँ बेस पे आते मैंने सारे एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे रख दिया, उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने ब्रूइंग स्टैंड बनाया और थोड़े ग्लास के मैंने यहाँ पे बोतल भी बना दी और यहाँ से पानी उसमें भर के यहाँ पे डाल दिया अंदर। और अभी देखो हमको बनाना पोशन ऑफ वीकनेस, और उसके लिए हमको देखो शुगर केन भी चाहिए थे और लकीली हमारे आइलैंड पे मिल गए मुझे, उसके बाद हमको देखो ये वाले मशरूम चाहिए थे उसके वापस से मैं नेदर में आया था। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने नेदर वॉल्ट डाल दिया, लेकिन हमको इसमें नेदर वॉल्ट नहीं डालना था वो मुझे बाद में पता चला। देखो अभी इसमें क्या बोल दो आइस नहीं जा रही है। उसके बाद देखो ये बोतल मैंने पी ली यहाँ पे, उसके बाद फाइनल यहाँ पे वीकनेस की पोशन मैंने बना दी, और उसके बाद यहाँ पे एक गन पाउडर डाल दिया, क्या बोल दो उसके प्लेस पोशन बन जाए। उसके बाद हमको चाहिए 2 गोल्डन एप्पल, और अभी मेरे पास गोल्ड इतना ही है जिससे क्या बोलते एक ही गोल्डन एप्पल बन पाएगा। और सबसे पहले यहाँ से मैंने गोल्डन एप्पल एक बनाया, और हमको अभी हमको और थोड़ा गोल्ड कलेक्ट करने जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चला गया गोल्ड कलेक्ट करने के लिए। और देखो हमको यहाँ पे माइंड से आप गोल्ड भी मिल चुका था, और देखो यहाँ पे जैसे ही मैं गोल्ड कलेक्ट कर रहा था यहाँ से देखो ये हरामी आ गया, पूरा मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, क्योंकि देखो अभी मैंने ईयरफोन नहीं लगाए थे और मुझे कुछ साउंड भी नहीं आ रहा था, तो डायरेक्ट मेरे मुंह पे देखा मैं डर गया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद गोल्डन एप्पल लेके मैं चला गया अपने मॉब फार्म पे, क्योंकि हमको वहां से अभी कलेक्ट करने 2 ज़ॉम्बी विलेजर, जिसको हमको क्या बोल दो नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद देखो थोड़ी देर एफ के करने के बाद हमको यहाँ पे केबल तक मिल चुका था ज़ॉम्बी विलेजर, उसके बाद ऊपर से मैंने क्लोज कर दिया ये, क्योंकि देखो बाकी के मॉब नीचे ना आया। और लकीली देखो अभी जैसे मैं क्लोज कर रहा था ना उसके साथ देखो एक और केबल दो विलेजर आ चुका था ज़ॉम्बी विलेजर, उसके बाद देखो एक विलेजर को बाहर निकाल के उस पर स्प्लैश पोशन डाल के गोल्डन एप्पल खिला दिया, उसके बाद थोड़ी देर में नॉर्मल विलेजर बन चुका था और उसको थोड़ा साइड में मैंने बिठा दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो दूसरे विलेजर के साथ ही मैंने ऐसे ही कुछ किया, यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस डाली, उसके बाद यहाँ पे गोल्डन एप्पल मैंने खिला दिया। और उसके बाद देखो अभी मैं विलेजर को नीचे कैसे ले जाना वो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से डायरेक्ट मैं कब दो हमारे बोट को यहाँ पे नीचे जंप करूंगा विलेजर के साथ, देखो इस जगह पे मैं यहाँ पे कहीं पे प्लेटफॉर्म बना दूंगा और हमारे बोट डायरेक्ट क्या बोलते उस प्लेटफॉर्म पे लैंड करेगी, उसके बाद उस प्लेटफॉर्म को हमारे ट्रेडिंग हॉल के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा और वहां से हम आसानी से क्या बोलते बोट में बिठा के विलेजर को हमारे ट्रेडिंग हॉल में ले जाएंगे। ओके अभी ये मैंने ऐसा कुछ अभी तक मैंने सोचा है, अभी देखते आगे क्या होता है। ओके देखो अभी इस विलेजर के साथ एक्सपेरिमेंट करते अभी,
उसके बाद देखो यहाँ पे सक्सेसफुली मैंने नीचे लैंडिंग कर दी थी। यहाँ से देखो बोट में बिठा के अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में ले दिया। उसके बाद दूसरे विलेजर के साथ ही मैंने सेम ही किया, इसको भी आसानी से मैंने नीचे लैंड करवा दिया। उसके बाद यहाँ से मैंने काफी ज्यादा वूल कलेक्ट किया क्योंकि उसको सोने के लिए हमको बेड भी देना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट अभी हमको एक शुगर केन फार्म बनाना पड़ेगा जिससे हम क्या बोलते हमारा इंचरमेंट टेबल पूरा कंप्लीट कर पाएंगे बुक सेल्फ से। तो इसको सबसे पहले बिल्ड करता हूं, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूं, तब तक आप टाइम लेस को एंजॉय कीजिए। ओके फाइनली हमारा शुगर कैन फार्म रेडी हो चुका है। ओके देखो इसको बनाने में काफी मेहनत लगी और पानी लगाने में सारी चीजें में। ओके अभी नेक्स्ट अभी हमको बनाना है एक वुड फार्म क्योंकि देखो आसपास के मैंने सारे ट्री यहाँ पे कट कर लिए हैं। और देखो अभी नीचे ट्री कट करना काफी बड़ा मुश्किल का काम है वो, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने वो क्या बोलते हैं ये सारे सर्कल बना दिए ना, उसके नीचे काफी अंधेरा होता है और यहाँ पे दिन में भी ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं और ज़ॉम्बी के साथ क्रीपर भी स्पॉन होते हैं और क्रीपर काफी हरामी होते हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि देखो पीछे से आके फट जाते हैं। मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो चुका है यहाँ पे, इसलिए भी सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की साइड एक केबल ट्री फार्म बना लेते हैं। ओके फाइनली हमारे यहाँ पे वुड फार्म रेडी हो चुका है। ओके देखो यहाँ पे मैंने सारी सैपलिंग भी सारी चीजें कंप्लीट कर दी है यहाँ पे। ओके अभी देखो हमारा बेस कुछ इस तरह से ऊपर से दिख रहा है, यहाँ पे काफी लेग भी कर रहा है गेम। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े शुगर केन को कलेक्ट किया और अभी नेक्स्ट अभी हमको हमारा पूरा कंप्लीट एक इंचरमेंट टेबल बनाना है और उसके लिए हमको लगेंगे काफी ज्यादा लेदर। और अभी देखो इस वर्ल्ड में लेदर कलेक्ट करना काफी बड़ा मुश्किल का काम है और लेदर में जाके हमको कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अभी तक मुझे एक भी काउ नहीं दिखी है यहाँ पे। और अभी हमको सबसे पहले एक विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब देनी पड़ेगी जिसके लिए हमको एक बुक सेल्फ चाहिए और उसके लिए भी हमको लेदर कलेक्ट करने जाना पड़ेगा और उसमें हमको देखो ऑलमोस्ट 3 ही लेदर कलेक्ट करने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे। ओके देखो यहाँ पे सांड को मार्क मार्क मैंने यहाँ पे लेदर कलेक्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो इसको मैंने जॉब दी यहाँ पे और हमको देखो 4 एमरल्ड में हमको पूरा बुक सेल्फ बेच रहा है। और अभी मैं क्या बोलता अभी सबसे पहले हमारे आर्मर को पूरे को इंचन कर लेता हूँ, उसके लिए हमको लगेंगे काफी ज्यादा एमरल और एमरल में कलेक्ट करने वाले फ्लेचर्स है। और कभी आर्मर को सभी को इंचन करता हूँ, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ, तब तक आप टाइम लेस को एंजॉय कीजिए और ये काफी खतरनाक टाइम लेस होने वाला है। ओके भी फाइनली मैंने अपने पूरे वेपन को और आर्मर को इंचान कर लिया है। लिटरली आप देख सकते हो काफी ज्यादा समय लग चुका है और यहाँ पे देखो सांड से जो मुझे खाना मिला था उसको मैंने यहाँ पे पका लिया था। और अभी चलते हैं नेदर में एंडर पर कलेक्ट करने के लिए। और देखो बाय द वे देखो ये डायमंड भी मुझे मिले थे जब मैं माइन में गया था वापस से एनविल बनाने के लिए। ओके काफी ज्यादा एंडरमैन को मारने के बाद हमको सिर्फ एक ही एंडर पर मिली थी क्योंकि मेरे स्वॉर्ड में लूटिंग 3 नहीं था। अभी सबसे पहले हमको लूटिंग 3 की स्वॉर्ड बनानी पड़ेगी, उसके लिए सबसे पहले एक विलेजर को यहाँ पे बाहर लेके आ गया मैं और यहाँ पे बार बार उसकी जॉब रिसेट कर करके मैंने यहाँ पे लूटिंग 2 का एक विलेजर बना लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने 2 लूटिंग 2 की बुक खरीद ली, उसके बाद उसको कंबाइन करके यहाँ पे हमारी स्वॉर्ड में डाल दिया। ओके अभी वापस से चलते हैं नेदर में और एंडरमैन को मैं मार के एंडर पर कलेक्ट करते हैं। ओके फाइनली इतनी ज्यादा एंडर पर यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर ली है। ओके अभी सबसे पहले थोड़ी सी हम आई ऑफ एंडर बनाते हैं क्योंकि पता नहीं हमको कितनी चाहिए, हम खास ज्यादा बना लूंगा तो कुछ काम में भी नहीं आएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़े ब्लॉक और सारी चीजें लेके अभी चला गया मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। ओके फाइनली हमको यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था, इसी जगह पे नीचे था जो मैंने फ्री कैम से एक बार चेक कर लिया था। और देखो बाय द वे फ्री कैम काफी अच्छा केबल द मोड है, उसकी वजह से काफी आसानी होती है सारी चीजें ढूंढने में। ओके फाइनली हम स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ गए हैं और सामने हमको एंड पोर्टल मिल चुका है और यहाँ से खतरनाक वाली ज़ॉम्बी की आवाज आ रही है। अभी सबसे पहले इसको यहाँ पे तोड़ते हैं वरना ये काफी परेशान करेंगे मुझे। और यहाँ पे देखो 2 तो लगी हुई है यहाँ पे, सबसे पहले इसको यहाँ पे मैंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि वहां से कोई क्रीपर वीपर आ गया तो फट गया तो भी मैं यहीं पे खत्म हो जाऊंगा। मुझे क्या माइनक्राफ्ट में क्रीपर से सबसे ज्यादा डर लगता है, पता नहीं कहाँ से आके फट जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड को भी पूरा कंप्लीट कर दिया सभी आई ऑफ एंडर लगा के। उसके बाद देखो मेरी नजर गई हमारे खाने पे और देखो काफी कम था क्योंकि देखो अभी हम एंडर ड्रैगन को मारने के बाद हम इलेक्ट्रा लेने भी जाएंगे, उसके लिए हमको लगेगा काफी ज्यादा खाना। उसके लिए अभी सबसे पहले चलते हैं यहाँ से वापस से ऊपर, वहां से कुछ खाना कलेक्ट करते हैं यहाँ से। ओके देखो यहाँ पे कच्चा सुअर का मांस मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मिल चुका था, उसको भी मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया। और देखो यहाँ पे भी काफी ज्यादा लैग कर रहा था मेरा गेम, इसीलिए देखो वो क्लिप मैंने यहाँ पे नहीं लगाई। उसके बाद वापस से मैंने यहाँ पे फर्नेस बना के वो खाना पकाने के लिए रख दिया। ओके फाइनली सारा खाना रेडी हो चुका है, अभी चलते हैं यहाँ से सबसे पहले एंड में। Let's go.
ओके फाइनल यहाँ पे मैंने एंडर ड्रैगन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। देखो इसको मारने के बाद इतनी खुशी मिलती है ना, बात मत पूछो। और एक्सपी भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है इसको मारने के बाद। और देखो आर्मर को इंजन करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपी कलेक्ट की थी, लेकिन देखो यहाँ पे देखो एक्सपी काफ़ी आसानी से मिल गई हमको। और उसके बाद मैं चला गया एन सिटी में। उसके बाद देखो मैंने मैक्स रेंडर डिस्टेंस कर दिया था और यहाँ पे सामने हमको एन सिटी दिख चुकी थी। उसके बाद मैं डायरेक्ट शिप पे ही चला गया, क्योंकि हमको कुछ सल्कर से कुछ लेना देना नहीं था, हमको सिर्फ इलेट्रा से ही लेना देना है। यहाँ से सबसे पहले सल्कर को मार के यहाँ से इलेट्रा मैंने ले लिया। और देखो चेस्ट में भी काफी अच्छा सामान था, उसको भी मैंने ले लिया। उसके बाद इलेट्रा को भी मैंने ले लिया यहाँ पे। अभी देखो मैं फायर वर्क लेना भूल गया था। उसके बाद देखो यहाँ पे ड्रैगन हेड को भी ले लिया। और उसके बाद देखो यहाँ पे फ्लाई करके मैं डायरेक्ट चला गया अपने पोर्टल पे। ओके यहाँ पे देखो मैंने ड्रैगन का एग भी यहाँ से ले लिया था। अभी नेक्स्ट अभी हमको मान लिया बनाने एक ब्यूटीफुल सा हाउस, हाउस तो नहीं बोलेंगे, उसके कैसल जैसा कुछ बनाने वाला हूँ मैं। ओके उसके लिए सबसे पहले सारे मटेरियल को कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिल। ओके देखो इस जगह पे मैं हाउस बनाने वाला हूँ हमारा। देखो ये काफी हाइट पे है जगह हमारी। और उसके लिए देखो सारा मटेरियल भी मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अभी हाउस बनाना स्टार्ट करते हुए टाइम लॉस को एंजॉय कीजिए। ओके फाइनली हमारा कैसल यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखो हमारा बेडरूम है ये, और ऊपर से देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा कैसल। और अभी एक मेन चीज़ जो मैंने पहले दिन ही की थी, हमारे तोते को अभी तक मैंने जंगल टेंपल में ही रखा है, मैं भूल गया था बीच में। अभी सबसे पहले उसको मैं लेके आता हूँ। क्या बोलते 96 डे पे मुझे याद आया वो तोता हमारा, वो भी गाली दे रहा होगा मुझे नीचे से। ओके इसको बैठा लेते हैं अभी कंधे पे, अभी चलते हैं बेस पे वापस से। ओके इसको लेके यहाँ पे आ चुका हूँ, अभी इसको अंदर ही बैठा देते हैं। अभी ये पूरा कैसल है तोते का हो गया, अभी मेरे तो कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ यहाँ पे मैं सोने ही आऊँगा। ओके अभी देखो अभी हमारे यहाँ पे छोटे मोटे थोड़े काम बाकी है। देखो मेरे पूरे को कम्प्लीट करना है यहाँ तक हमारे वीट फार्म को। और अभी हमें देखो शुगर केन भी आधे ही लगे हुए हैं, और जानवर को भी ब्रीड कराना है। ओके अभी सभी चीज़ों को करता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट मिलता हूँ, तब तक आप टाइम लेस को एंजॉय कीजिए। ओके अभी सबसे पहले इस सभी विलेजर को भी मैं आजाद कर देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने बाहर रखे हैं उस सभी को, लेकिन अभी तो कुछ काम नहीं है इसका। इसको भी आजाद कर दे इस मेंडिंग वाले को। उसके बाद देखो आसपास थोड़ा वर्ल्ड देखा, लेकिन काफ़ी लेग हो रहा था इसलिए वापस चला गया अपने बेस पे। उसके बाद देखो लास्ट में थोड़े जानवर को भी खाना खिला दिया यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में हमारे कैसल में सोने चला गया मैं। और अभी देखो थोड़ा आयरन गोलम के साथ मैंने खेला यहाँ पे पकड़म पकड़ी, लेकिन देखो हरा मैंने फिर भी मुझे मार दिया, लेकिन अभी वो गायब हो गए यहाँ पे। और अभी नेक्स्ट अभी हमको क्या बोलते हैं शुगर केन को भी कंप्लीट करना पूरे में। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एफ के करते हैं थोड़ी देर। देखो ये थोड़ी लाइन बाकी है। ओके फाइनली अभी हमारा शुगर केन फार्म भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और फाइनली आप हमारा वर्ल्ड देख सकते हो, ऊपर से कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे 100 डे खत्म हो चुके हैं। और आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।